लखनादौन में एक परिवार के सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि अतिक्रमण मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग को न्यायालय से स्थगन आदेश मिला था, इसके बावजूद प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में घर में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट की। वहीं पुलिस ने बताया कि कार्रवाई नियम अनुसार ही की गई है। दरअसल ग्राम पंचायत धूमा में 8 जून को नायब तहसीलदार को न्यायालय से बेदखली के आदेश मिले थे। धूमा स्थित पंप हाउस में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, जिस पर राजस्व विभाग ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि अतिक्रमण मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग को न्यायालय से स्थगन का आदेश मिला था। अनावेदक सुरेश नामदेव की पुत्री और अधिवक्ता संजना नामदेव के मुताबिक रात को करीब 9 बजे गांव का ही कोटवार आदेश लेकर परिजनों के पास गया था, लेकिन घर पर छोटी गुड़िया ने अकेले होने के कारण उस आदेश को लेने से मना कर दिया था। पर दूसरे दिन प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में स्थानीय लोगों की मदद से निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो परिवार की ही सदस्य शुभांगी नामदेव से महिला पुलिस ने मारपीट झूमा झपटी की और महिला को घसीटा गया, जिस पर शुभांगी नामदेव को सिर पर गहरी चोट आई है। घंटों इंतजार के बाद 108 की मदद से महिला को अस्पताल लाया गया। वहीं परिवार के मुखिया सुरेश नामदेव के साथ भी अभद्रता की गई। सर, हमारा मैटर 2015 से चल रहा था, नायब तहसीलदार के यहाँ पे चला सर, वहाँ से आदेश इनका खारिज हो चुका था। श्याम चौकसी से हमारे इस छेड़ी को लेके विवाद था सर, वहाँ से आदेश उनका निरस्त हो चुका था। फिर SDM सर के यहाँ अपील हुई थी, वहाँ से भी आदेश निरस्त हो चुका था। फाइनली सर सिविल कोर्ट में 2020 में सर आदेश वहां से भी निरस्त होकर खारिज हो चुका था। और सर इन लोगों द्वारा सर सब कुछ होने के बाद दोबारा नायब तहसीलदार से झूठ बोलकर आदेश लेकर आया गया और अभी वापस से सर हमारे यहां पे काम चल रहा था, अभी कल इस पे आदेश आया सर और हमने तुरंत काम रोक दिया सर, नहीं सर हमारे हाथ में नहीं मिला है। हमारे घर के बाजू में बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसमें अचानक से बहुत सारे पुलिस लोग आ गए, RI पटवारी, नायब तहसीलदार और SDM ऑफिस से एक और आदमी आया था, ये सब लोग आए थे। हमने इनसे पूछा और धूमा का TI भी था राहुल बघेल, उनसे पूछा हमने सर आप पहले आदेश बताइए, बिना आदेश के आप नहीं तोड़ सकते सर। तो सारे पुलिस की पुलिस वाले पापा के ऊपर भी एकदम से सारे अलग करने लगे, धक्का देने लगी और मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं गिर गई, पत्थर में लग गया मुझे और बहुत ज़ोर से। और फिर उसके बाद में घसीट कर पुलिस कांस्टेबल ने वहाँ से उठा कर घसीट कर और फिर गाड़ी में बैठा के और हॉस्पिटल तक लाई थी। बता जा रहा है कि आशियाने को बचाने के लिए महिलाएं पुलिस और प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन कार्रवाई जारी रही। घर के एक छोटे बच्चे ने वीडियो कॉलिंग के जरिए शहर के कमिश्नर से विनती की और बताया कि उसकी मौसी को पुलिस ले गई है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि कार्रवाई नियम के अनुसार की गई है, महिला आरक्षक ने वहां मौजूद महिला को अतिक्रमण वाले एरिया में जाने से रोका था ताकि कोई हानि न पहुंचे, उस पर महिला द्वारा खुद को चोट पहुंचाई गई। उन्होंने कहा यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। SDM साहब लखनऊ द्वारा कल दिनांक एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें आवेदक श्याम सुंदर चौकसे के आवेदन पर अनावेदक सुरेश कुमार नामदेव की भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी अनावेदक द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया है। जारी रखने के विरोध में आज नायब तहसीलदार धूमा श्री मार्को पटवारी जी RI साहब इन लोग आए हुए थे, मैं को प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन पे कहा गया है पुलिस बल की मांग की गई, जो अवैध निर्माण किया गया है स्थगन के बाद उसको ध्वस्त करने के लिए पुलिस बल की मांग की गई, तो मेरे द्वारा पुलिस बल दिया गया। शांतिपूर्वक मौके पर कार्रवाई चल रही थी, तो ये सब कार्रवाई शांतिपूर्वक हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।